हेलो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सऊदी अरबिया के बीच में होने वाला है। मैच स्टार्ट होगा 2:40 PM पर, कंफर्म लाइनअप्स आ जाएगा 1:40 PM पर। तो कंफर्म लाइनअप्स और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पर ही आएगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। इवन आप पिन कमेंट चेक कर सकते हो, मतलब जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 21,000 प्लस सब्सक्राइबर ज्वाइन हो चुका है टेलीग्राम पे, आप भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ और सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और जो भी फाइनल टीम होगा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ स्टार्ट करते हैं रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड से। ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 मैच में एक मैच में लॉस फेस किए हैं और 4 मैच विन किया है। सऊदी अरबिया बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस सीज़न पुटअप किए है और सारे अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स के खिलाफ अच्छा विन किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 5 मैच में 5 मैच विन किया है और इनका जो स्टैंडिंग है नंबर 1 पर है अभी और बहुत अच्छा मार्जिन से अभी एक नंबर पर है सऊदी अरबिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बहुत ही ज़रूरी मैच है जीतना। अगर वर्ल्ड कप में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को डेफिनेटली जीतना पड़ेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हारते हैं और ऊपर से जापान भी बहुत स्ट्रांग टीम है, जापान इस सीज़न उतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं पुट अप कर पाए हैं, लेकिन इसके बाद जापान का मैच है एकदम वीक ओपोनेंट के साथ, वियतनाम के साथ, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्जिन से जीत सकते हैं। तो खतरा है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा इस मैच को विन करने का करे और अच्छा मार्जिन से करे, एटलीस्ट डिफीट अवॉइड करे इस मैच में, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग देखो ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली फेवरेट है इस मैच में। ऑन द पेपर देखोगे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन मुझे स्लाइटली फेवरेट लग रही है क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस सऊदी अरबिया का बहुत अच्छा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया लास्ट 5 मैच में 4 मैच विन किया है अगेंस्ट सऊदी अरबिया और एक मैच ड्रॉ किया है। वो 2017 से पहले था, ये 2021 है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस सीज़न किए है सऊदी अरबिया ने। अब बात करूँ तो देखो क्लीन शीट का चांसेस मुझे लग नहीं रहा किसी भी टीम क्लीन शीट टेक कर पाएगा और मैं क्लीन शीट अवॉइड करूँगा इस मैच में, मुझे नहीं लगता क्लीन शीट इस मैच में होगा। इंजरी न्यूज़ की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 इंजरी न्यूज़ है। रॉगिच और टगाट आउट है इंजरी के वजह से, उनके रिप्लेस करने वाले मोस्ट प्रॉब्ली लेकी और ड्यूक उनको रिप्लेस कर सकते हैं। पॉसिबल लाइनअप्स देखोगे तो ये लाइनअप्स लास्ट मैच का था जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच खेला था उस मैच का था, तो 2 प्लेयर बाहर हो चुका है टगाट और रॉगिच, तो ये 2 प्लेयर के प्लेस पे आपको ड्यूक और लेकी खेलते हुए दिखेगा, तो वो 2 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बॉयल दिखेगा मिडफील्डर्स में, मोई है, होस्टिक है, इरविन है, डिफेंस में बेच, सोउटर, सैंस बीडी, करचिच और गोलकीपर्स में मैथ्यू रेन आपको खेलते हुए दिखेगा। पेनाल्टी टेक आपको लेकी अगर वापसी करते हैं तो लेकी मेनली पेनाल्टी टेक करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन बॉयल भी पेनाल्टी ले सकते हैं, तो ये 2 में से कोई एक पेनाल्टी लेगा। और फ्री किक कॉर्नर आपको होस्टिक मुई में से करते हुए दिखेगा। इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट पिक की बात करूँ तो यहाँ पे लेकी और जो खेलेगा ड्यू को 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। बॉयल भी इंपॉर्टेंट है, होस्टिक इरविन इंपॉर्टेंट है और डिफेंस में बेच कारचिच इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से ज़्यादातर प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करना ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया इस सीज़न बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप किए हैं। गोलकीपर्स में आपको अल ओइस खेलते हुए दिखेगा, डिफेंस में इस गनाम है, अलमारी है, मडू है, मडू भी इस मैच में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेगा, थोड़ा इंजरी का कंसर्न है मडू का। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल मीड है। मिडफील्डर्स में आपको कनो खेलते हुए दिखेगा, एएल मलकी, अटैकिंग थर्ड में आपको मोहलत फराज, नजेस और शहारी खेलते हुए दिखेगा। पेनाल्टी टेकर्स मोस्ट प्रॉब्ली मोहलत और शहारी में से लेते हुए दिखेगा, ये 2 प्लेयर्स आपको
पेनाल्टी मेनली लेते हुए दिखेगा। मोहल्लात का रिसेंट फॉर्म थोड़ा पुअर चल रही है ये चीज़ है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा है, साउथ अरेबिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है मोहल्लात। लेकिन इस सीजन बहुत खराब परफॉर्मेंस अभी तक पुटअप किए, मतलब उतना अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कर पाए है, परफॉर्मेंस नहीं पुटअप कर पाए। फ्री किक कॉर्नर आपको कनो और गनाम में से करते हुए दिखेगा, मतलब ये दो प्लेयर्स में आपको फ्री किक कॉर्नर शेयर करते हुए दिखेगा। इस टीम से इंपॉर्टेंट पिक की बात करूँ तो नायस बहुत अच्छा फॉर्म में चल रही है, आल शाहरी वन ऑफ द मेन स्ट्राइकर इस टीम का मास्टर पिक है। उसके बाद मोहल्लात भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कनो इंपॉर्टेंट है, गनाम इंपॉर्टेंट है, गोल कीपर्स मास्ट है पिक है, तो इनमें से ज़्यादातर प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करना। मेरी प्रेडिक्शन ऑन ड्रॉ, ऑस्ट्रेलिया स्लाइटली फेवरेट है तो 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत सकते हैं, लेकिन एक एक का ड्रॉ मुझे आइडियल स्कोर लग रही है। मेरी फैंटेसी टीम देखोगे तो अभी तक मैं ये टीम क्रिएट किया हूँ, आप चेंजेस कर सकते हो। देखो लेकी अगर खेलेगा तो मैं उनको कैप्टेंसी दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है तो लेकी का परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ बहुत दिनों बाद ये खेलने आए हैं, लेकिन फिर भी मैं लेकी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कैप्टेंसी का, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर खेलेगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। देखो हुस्टिक रिसेंट फॉर्म लाजवाब है, लेकिन इनको मैं कोई भी कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी का मतलब नहीं दिया, उसी बी सी में इनको नहीं बनाया। उसके एक ही रीज़न है, मैं लेकी और इरविन को ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ। इरविन एक ऐसे प्लेयर जो इजीली 40+ पॉइंट दे सकते हैं विदाउट गोल, बहुत ही अच्छा टैकलिंग इंटरसेप्शन करते हैं, इस वजह से डिफेंसिव लायबिलिटी देखते हुए मैं इनको वाइस कैप्टेंसी दिया हूँ। अगर आपको सेफ जाना है आप हुस्टिक को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो, इवन ड्यूक को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। सो ये मेरा अभी तक का टीम है, लेकिन ये टीम फाइनल नहीं है, लाइनअप्स बहुत मैटर करते हैं। तो लाइनअप्स आने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे फर्दर अपडेट्स न्यूज इन्फॉर्मेशन और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम दे पाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, फर्दर अपडेट्स आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और एक लाइक कर लेना। अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।